आर न्यूज में। राजधानी भोपाल में कांग्रेस के प्रवक्ता भूपेंद्र गुप्ता का बयान। मध्य प्रदेश में कांग्रेस 23 जनवरी को प्रदर्शन करेगी और किसानों को नैतिक समर्थन देगी। कोरोना के चलते दीपक मरावी की मृत्यु पर उन्होंने कहा कि इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए, क्योंकि करोड़ों लोगों को वैक्सीन लगाई जानी है, इसलिए मृत्यु के कारणों की, उसकी डेथ ऑडिट की सारी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि इसके बारे में लोगों का विश्वास जागरूक हो। मध्य प्रदेश में कोरोना वैक्सीन पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लग गया है क्योंकि यहाँ के मुख्यमंत्री ने सबसे आखिरी में वैक्सीन लगवाने की बात कही है, और दूसरा ये मौत का मामला सामने आ गया है, तो इसमें आम जनता का विश्वास डगमगा रहा है और इसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इसकी पूरी तरह जांच करवानी चाहिए जो कि पारदर्शी हो। भोपाल से संवाददाता सौ सिद्दीकी की रिपोर्ट। अभी एक व्यक्ति की मौत हुई है दीपक मरावी की, उनके परिवार वालों का आरोप है कि वैक्सीन के कारण हुई है। देखिए, इसकी व्यापक जांच होनी चाहिए, इसलिए जांच होनी चाहिए कि इससे जो है एक बड़े जनसमूह जिसको करोड़ों लोगों को ये वैक्सीन लगाई जानी है, इसलिए अगर मृत्यु के कारणों की, उसकी डेथ ऑडिट की सारी रिपोर्ट सार्वजनिक करना चाहिए, जिससे कि इसके बारे में लोगों का विश्वास जागृत हो। ये प्रयोग होते रहते हैं दुनिया में, इसी तरह से दवाइयाँ बनी हैं, लेकिन एक तो मध्य प्रदेश में जो है वैक्सीन की जो विश्वसनीयता है उस पर इसलिए प्रश्न चिन्ह लग गया कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं सबसे आखिरी में लगवाऊंगा, और दूसरे अभी कि ये मौत का मामला सामने आ गया है, तो इससे जो है आम व्यापक समाज का जो सोच और विश्वास है डगमगा रहा है, और उसको सुनिश्चित करने के लिए सरकार को इसकी पूरी तरह से जांच करवानी चाहिए, पारदर्शी जाँच करवानी चाहिए, इसमें विशेषज्ञों को शामिल करना चाहिए, और जो मृतक का जो डेथ ऑडिट है उसके जो तथ्य हैं वो सार्वजनिक किए जाने चाहिए। तो फिर जो है तीन तीन महीने से मॉनिटर क्यों कर रहे हैं? अभी के लिए फिलहाल इतना ही। हमारे साथ खबरों में बने रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।